तो अब बात करते हैं अपने बीसीएल के बारे में। तो इसके मैचेस अभी चल रहे हैं जो कि आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें एक न्यू कंट्रोवर्सी या फिर एक न्यू राइवलरी बोल सकते हो स्टार्ट हो गई। तो हुआ ये था कि तो अभी थोड़े दिन पहले ही इसमें एक मैच हुआ था ग्रे फॉक्स वर्सेस एमएलटी, एंड इस मैच को जीत लिया था एमएलटी ने। एंड मैच जीतने के बाद अजीज ने ट्वीट किया था कि मुझे नहीं पता कि ये उस मंकी को रियलाइज क्यों नहीं होता कि जब मैं फिलीपींस में था मैं 100 पिंग में खेल रहा था टॉप 1 में, सॉरी नॉट सॉरी, मैं डिसरिस्पेक्ट को नहीं भूल सकता। एंड अजीज ने ये ट्वीट इसलिए किया था क्योंकि वेंका ने भी एमएलटी के अगेंस्ट में पिछली बार जीत के ये ट्वीट किया था। तो अजीज के इस ट्वीट के बाद ग्रे फॉक्स के कोच गॉड स्पीड एंड इंडियन फैंस भी अजीज को रेसिस्ट बोलने लगे। एंड इसके रिप्लाई में उसने कहा कि ये रेसिस्ट कैसे हुआ, मैं तो सबको यही बोलता हूँ जो मेरे को डिसरिस्पेक्ट करता है। एंड इसके बाद ओजी के भी कुछ मेंबर्स ने अजीज को सपोर्ट किया एंड कहा कि ये रेसिस्ट नहीं है, टीम में सब ऐसे ही बोलते हैं। ऑल्सो सिड भाई ने भी यही कहा कि SEA सर्वर में ये कॉमन इंसल्ट है, इसका रेसिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो अजीज को रिप्लाई वेंका ने भी किया एंड उसने ये कहा। ऑल्सो वेंका ने ये भी कहा कि अजीज ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सैड है एक सीरीज हारने की वजह से। तो इसके थोड़ी देर बाद वेंका ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया एंड कहा कि वी कीप आवर हेड्स डाउन एंड वर्क हार्ड। तो बस इसी की वजह से VCLSA में एक न्यू राइवलरी बन गई एंड अब नेक्स्ट ग्रे फॉक्स वर्सेस एमएलटी का मैच देखने में काफी मजा आएगा। तो इनका मैच अब टॉप 2 के प्लेऑफ्स में ही हो सकता है। पहुंच गई है यहां पे रेकनिंग प्रॉब्लमैटिक जैसे आपने बोला, पर एन क्यू जब तक है तब तक वो डिसएडवांटेज है नहीं क्योंकि नटी शॉट्स इस टाइप के हिट करेंगे एंड कैरामेल का सपोर्ट आएगा। दैट्स इनसेन डॉक्सर दो, कोई बात नहीं, पेंट शेल से आराम से चीजें क्लोज आउट करने में कामयाब। शॉट्स करेक्ट हुए नहीं, बीम दो निकालने में कामयाब LBY और एनक्यू। ये थोड़ा सर्कस प्ले बनाने की कोशिश में पकड़े गए दोनों ही प्लेयर। गुड शॉट बट एंटी डॉट आल्सो फाइंड्स वन एंड प्रेस्ट अकेले लास्ट बचे है, gets one, can't find the second one, क्योंकि लॉन्ग का प्लान है। यस, ही कैन फाइंड द थर्ड वन आल्सो, अ 3k कमिंग इन। इस टाइम पे डॉस 9 के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कत है, पैरानोया ऑन टू द फेस आफ्टर शॉक, पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन रॉसी का सपोर्ट इज इवन बेटर। फ्रैग फेस्ट सकता है जंप करके, ये एक्सपेक्ट आप करोगे, हो नेवर माइंड, आपने भी एक्सपेक्ट किया ड्रेस को एट वाई टू बीच। रियो के पास वो एंगल होना चाहिए था बट वो उसी सेकंड अपना फ्लैंक चेक करने गए थे और क्योंकि रियो ने पहले गोली नहीं चलाई थी इसलिए पता नहीं चला। अब यहाँ पर हंटर्स फ्यूरी टैंक करके आपने हाफ स्टेक कर दिया है but can Rio still get it done? Ah, there's a wall. Oh, he still gets the headshot with the guardian. ये backside की तरफ है वो. Dash in हो चुका है, अब draft करके play बनाने की कोशिश. Nice connect नहीं हुई. Skills run and gun में एक pick निकालेंगे. Trish का answer back आता हुआ, but Rio with the answer and skills अभी भी pillar के पीछे खेलते हुए gets a 3k. निशानी हुई नहीं. Throws a shot, but now nobody is looking towards skills and there's the ace. Bam को भी dodge किया है. This could be a play. Trish finds the first, but dodge. वो बैक स्टैप पे खड़े हुए आराम से पिंच करने के लिए। स्किल्स गेट्स टू फ्लैश आया एंड अपने प्लेयर फ्लैश आउट हो गए पर फर्क नहीं पड़ता, शॉट ट्रैप फायर में फंस गए। वेस्ट में आएगा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वाइपर स्पिट भी कमिट कर दी गई, इट वाज द सी साइड, तो प्लांट मिल जाएगा। कीबो गेट्स LBY वाइपर स्पिट के अंदर रैंडम स्पैम इस्तेमाल करके पीछे की तरफ थोड़ा वापस खेलते हुए कैरमेल बाइक के ऊपर स्मोक, लेकिन टाइमिंग phenomenal down to last 1v1 but the adjustment from Kibo even those fight timing pakadne ki bari thi, caramel double peek phans gaye, break kar diya jayega, to information aa gaya player kahan pe ho sakta hai but abhi bhi swing out karenge ANQ, Excali ko yahan pe pick off kiya jayega, time buy kar lijiye round aa jayega but wo bhi nahi ho paya, ANQ shuts Kibo down Y ke paas mein and dheere dheere he's walking in, aage badh rahe hain, काफी अच्छा लॉर्ड प्ले बनाने की कोशिश कर सकते थे बट नहीं हो पाया। क्लोज रहने वाला है ये, कन्वर्ट हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। RVK टाइम में खेलना चाहते हैं, पिक ऑफ कर देंगे और उनके पास टाइम भी रहेगा डिफ्यूज करने का।
अक्सर ने ट्रेड ऑफ कर लिया है थोड़ा टाइम, लेकिन रिवील आउट हो जाएगी पोजीशन। लॉन्ग रेंज फाइट स्टेयर्स पे कीबो एक जीत गए। वेट अ सेकंड, इट्स इवन मोर डूएबल। 34 एचपी एंड एक शॉट कनेक्ट करना था, उसी को कर दिया कीबो। नो हंटर्स फ्यूरी का इन्वेस्टमेंट यहां पे आते हुए कीबो तो पिक ऑफ हो गए थे वैंडल के द्वारा। विबोर गेट्स डॉक्सर आल्सो, द 1v1 ट्रेड्स आर कमिंग इन बैक एंड फोर्थ एंड आरवीके gets Vibor as well. Pure trade yahan pe rakhne ke favor mein aa rahe hain. RVK with a 4k coming in and beautiful round conversion for Reckoning Esports. कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल, because spoke में spam तो हो रहा है, but there's already crossing कर चुके हैं and again it's just about trade जो key true reverse अभी तक लेने में कामयाब। 1v2 situation, 10 HP पे death maker, दो headshot and antidote gets the round, but दो headshot, एक तो land कर दिया, half stick नहीं हुआ है, ये बड़ी दिक्कत है because now death maker has to force the fight and antidote wins it. Hellef, just trying to have any information that he can and yeah, are you tripwire? One में फंस चुकी है basically MLT. ये main से अंदर आना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अभी तक नहीं deal कर पाए. And are you with a crazy spray transfer man? Econ के पीछे जो कभी भी player था उसको scan out कर लिया logs में जो खेल रहा था. अब इस बार Tesseract अकेले आगे की तरफ जा रहे हैं. And he still finds one. लेकिन trade off भी हो गए उतनी ही जल्दी. Oh my God, what a bait play! What a bait play, Aziz. Timing मिल गई उनको उस bait play के पीछे. फेक करने की कोशिश एंड इन द मीन टाइम स्टिल अजीज मार्केट के एंगल से उनको कोई नहीं रोक रहा है। निकेट्स अ 4k द अल्ट को और किया भी है ब्लैक हॉक, सिर्फ उसके अराउंड खेलना चाह रहे हैं। सायो फाइंड्स अनदर, बट पता चल जाएगा कि एक प्लेयर स्टेयर्स से आ रहा है। दोनों प्लेयर यहां पे फाइट जरूर लेंगे। 1 फॉर 1 ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है इजी विद अ 3k इन दिस राउंड। मेट ने जितवाए हैं और एक और रीपोजिशन तो बड़ा अच्छा है और एक्सपेक्ट कर लिया इजी ने। द स्नैपबैक इज द टाइम। Yes, there is. Oh, there is. Plant हो गया। दोनों flash pair up कर दिए हैं। एक player से dual isolated, Lil Boy को pick off कर दिया। Vayne का 36 HP पर सायो अपनी fight जीत दोए। Heaven में Ryzen पूछते फिरते आ रहे हैं। एक pick निकालेंगे। Transfer बहुत ही उम्दा था। तीन निकालने में कामयाब हुए, but finally सायो उन्हें shut down करेंगे और Carnival की hopes को भी। जंपिंग करने की कोशिश है, निकलौते कोहली काफी ज्यादा डैमेज देते हो इस टाइम पे, लेकिन प्लेयर्स ड्रॉप इन करेंगे। क्रॉस फायर कैसे तोड़ेंगे हिल का, कोई यूटिल है ही नहीं इस टाइम पे। एंड बैंक का हिटिंग हेड्स लाइक एनीथिंग, पर राइजन ने अच्छा आंसर बैक किया। 3v1 की सिचुएशन, टाइम नहीं है ज्यादा, डिफ्यूज स्टिक करना पड़ेगा और डिफ्यूजर को ही पिक ऑफ कर दिया है। होक्स ने राउंड जीत लिया अपनी टीम के लिए और ये पिस्टल ग्रे फॉक्स के पास जाता है। ओह माय गॉड, टाइम स्लोस डाउन व्हेन इट कैन गेट नो वर्स, आई कैन फील इट रनिंग आउट ऑन मी, आई डोंट वांट दी last words all forgotten, 'cause that's all that